हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सदानंद पटेल आप लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज में। आज हम बात करने वाले हैं आरएफडी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018 के सभी क्वेश्चनों को। इस वीडियो में हम 1/10/2018 के शिफ्ट 2 और 3 के सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे। इससे पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पांडे वंश की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? मदुरै। क्या हो जाएगा? मदुरै। मदुरै में ही हमारी क्या है, मीनाक्षी मंदिर है। क्या है? मीनाक्षी मंदिर स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विश्व भारती। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना कहाँ किया था? कहाँ किया था? कोलकाता में। कहाँ किया था? कोलकाता में। ठीक है दोस्तों, कोलकाता में किया गया था इसका स्थापना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन ए, सामूहिक संरक्षण का सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। इसको उत्तराखंड में स्थित सभी झीलों को याद करने का हमारे पास एक शानदार ट्रिक है, जिसमें ताल ताल शब्द जुड़ा रहेगा। वो सभी क्या है, झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव के निषेचन अंडे में होते हैं, मतलब ये कह रहा है मानव के निषेचित अंडे में होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एक क्रोमोजोम। क्या हो जाएगा? एक क्रोमोजोम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तत्व यक्ष एक ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र H2O3 है। तत्व का आवर्त सारणी में किसकी भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है? तो इसका सही उत्तर क्या दोस्तों? क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई कारक टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसकी पावर क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? कार्य बटा के समय। इसकी क्या हो जाएगी? पावर पी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान की सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन प्लान। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? राउंड वर्म। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से लाल संवहनी संयोजी ऊतक है? इसका सही उत्तर क्या दोस्तों? ऑप्शन सी रुधिर। रुधिर जो है हमारी लाल होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितने वर्ष का है? इसका सही उत्तर क्या दोस्तों? चलिए जल्दी से इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या दोस्तों? 65 वर्ष। इसका सही उत्तर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। आप सभी को ही पता ही होगा, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोर्न आइंस्टीन कंडेंसेट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? ये हमारा स्थित है
झारखंड में, झारखंड में स्थित है। यूरेनियम का अयस्क क्या कहना है? पिच ब्लेड, पिच ब्लेड जो है कि इसका अयस्क है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लार ग्रंथि में से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? इसका सही उत्तर जो है दोस्तों एमाई लेज, हमारी लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला एंजाइम है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्पन्न क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान बटा के आयतन यह किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है दोस्तों? घनत्व के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? घनत्व के बराबर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसमें जो है लोहे का जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। मौसम में भोजन बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ये ऑप्शन सी जो है हमारा, ये एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्वेशी विभाजोतक पाए जाते हैं किसमें? पाए जाते हैं दोस्तों किसमें पाए जाते हैं? ये पत्तियों के तल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दाब बराबर होता है मतलब दाब किसके बराबर होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? उत्क्षेप बटा के क्षेत्रफल। उत्क्षेप बटा के क्षेत्रफल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन सी क्षारीय धातु। इसका क्षारीय धातु के समान ही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ ने ही आवर्त सारणी का निर्माण किया था। मेंडलीफ ने अपना आवर्त सारणी परमाणु भार के आवर्ती फलन रखा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 80 अंश हो तो आपतित कोण का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? 40 अंश इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 अंश दोस्तों कैसे आएगा? ये हमारा तल है, ये हमारा बीच में अभिलंब है, ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये दिया है हमारा 80 अंश, ये चीज़ दिया है हमारा 80 अंश। आपसे हमारा पूछता है ये टू, ये इसके बटे हो जाएगा 80 के बटा 2 हमारा हो जाएगा, जिससे कि हमारा 40 निकल के आंसर आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घटना द्वारा पौधों केवल एक जनन द्वारा रोग मुक्त से उगाया जा सकता है? इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऊतक संवर्धन द्वारा
किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या होता है ये? बढ़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बहलोल लोधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया था? 1491 किया था। इसका शासन काल हो जाएगा 1451 से 1526 तक इसका शासन काल है। इसको जो है आलम शाह, इसको जो है आलम शाह को पराजित करके यह विजयी हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक डायमंड में प्रत्येक परमाणु से कितने कार्बन परमाणु बंधे होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या दोस्तों? 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एल्युमिनियम धातु केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है। किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? इलेक्ट्रोलीज के द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट इसका अयस्क है। बॉक्साइट इसका अयस्क है। अगला क्वेश्चन ये है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किनके बीच चलाने के लिए प्रस्तावित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद से मुंबई। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ। और हाँ दोस्तों, इस सीरीज के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन्हें देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप जाकर हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर हमने अरबी ग्रुप डी 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कराया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।